गाइज आपने ये आवाज सुनी और अब ये इस मोरनी को देखो, ये यहां से उड़ के जाएगी। स्लो मोशन में दिखाता हूं आपको। अब गाइज इस उड़ान के बाद में मैं आपको एक पेड़ के ऊपर लेके चलता हूं। इस पेड़ पे देखिए एक मोर और एक मोरनी। मोर बिना पंख वाला है, यानी कि अभी अर्ध विकसित। अब मैं लेके चलता हूँ एक खुले मैदान में। खुले मैदान में एक मोर है और ये अभी पूरी तरह वयस्क नहीं है। इसके पंख देखो आप, अभी पंख पूरी तरह क्लियर और सुंदर नहीं जितने होने चाहिए। और इसके आसपास चार मोरनियाँ हैं जो मैंने थंबनेल में दिखाया। अब मैं एक बार फिर आपको उस पेड़ के ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ एकमात्र एक मोरनी बैठी है। ये अब तक तो अपने पैरों पर थी, लेकिन अब ये टहनी पर बैठेगी रात में जैसे बैठती हैं। ये देखो रात में ऐसे पिकॉक या मोरनी ऐसे बैठ जाती हैं। अब मैं बिल्कुल ऐसे जंगल का पिकॉक दिखा रहा हूँ आपको, जो इंसान को देखकर जंगल में ऐसे दुबक जाते हैं। वापस एक पेड़ के ऊपर आते हैं जहाँ एक मोर और मोरनी बैठी है। लेकिन इसके बाद में मैं वापस जंगल में लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों इस वीडियो में जो जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वाकई ये फुटेज छोटी छोटी बहुत अद्भुत है और एक स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ। ये देखिए इस वीडियो में ये भी वीडियो है। सामने वो मोरनी है, ये मोर है, दोनों एक जंगल में खुले मैदान में है। लेकिन ये टाइम प्रजनन का नहीं था, इसलिए पिकॉक बिल्कुल शांत है। और दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो तो बल्ले बल्ले है।